नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा, मैं बताने जा रहा हूँ। आज हम भोजपुर मंदिर जा रहे हैं, अभी रास्ते में ही हैं। आप देख सकते हैं भोजपुर मंदिर का रास्ता, जो कि हमारे गांव से थोड़ी ही दूर पर है। चलिए भोजपुर मंदिर जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी दूर, थोड़े आगे पर चेकिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ, थोड़े आगे से मैं वीडियो लेता हूँ। चलो ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चेकिंग पॉइंट हो चुका है, काफ़ी चेकिंग हुई, सैनिटाइजर से हाथ धोए गए। अब आ गए हम भोजपुर मंदिर की रास्ते पे हैं, जो कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, मगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दर्शक हैं, भक्त हैं, जो दर्शन करके वापस आ रहे हैं, वो देखो आप दूर से भोजपुर का मंदिर दिख रहा है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए थोड़े और करीब चल के देखते हैं और दर्शन करते हैं भोलेनाथ के। भोजपुर का मंदिर प्रसिद्ध, आप देख सकते हैं ये रास्ता कितना बढ़िया बना हुआ है, आसपास कितना बेहतरीन नज़ारा है। सुबह का टाइम है, करीब 9-10 बज रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं आसपास। मैंने ये वीडियो ली है, पुलिस वाले भी थे पीछे, उनके चलते मैंने आपसे चुपके से मैंने वीडियो ली है। आज मैं आया था यहाँ पे, लॉकडाउन का समय है, भोलेनाथ के दर्शन कर आते हैं, पास में है, करीब में है, मेरे गाँव के करीब में ही है भोजपुर मंदिर। तो मैंने कहा आपको भी बता दूँ, यहाँ भोजपुर मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है, भोपाल के नज़दीक है। चलो दोस्तों, ये है भोजपुर मंदिर, जो काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिक्योरिटी गार्ड भी है यहाँ पे। खास फिलहाल में आज किसी को पता नहीं है यहाँ पे कि भोजपुर मंदिर खुल चुका है, और यहाँ पे इतना शांत माहौल है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखो, भोलेनाथ की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, ये 30 मीटर ऊँची ये प्रतिमा है। पंडित जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, प्रतिमा के करीब जाना अलाउ नहीं है, मगर हम दूर से ही आपको दर्शन कराएंगे। देखिए ये प्रतिमा है, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, 30 फीट ऊंची प्रतिमा। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहाँ तक आया था तो मैंने कहा वीडियो बना के डाल दूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप पूरी वीडियो देखिए। थैंक यू।